हेलो फ्रेंड तो आपके सामने लेकर आ गए हैं जी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ खास नॉलेज ठीक है और जितने भी जो टॉपर होते हैं ना ठीक है वो टॉपर अपने आप नहीं होते हैं उनको बनाने के लिए उनके जो आइडियाज होते हैं ना अगर उसको आप फॉलो करेंगे ना तो आप भी उस फील्ड में आ सकते हैं ठीक है तो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कि आपको अगर ये सब जानकारी होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्लास में आप बेस्ट बन सकते हैं चाहे वो मैकेनिकल के हो, चाहे वो सिविल के हो, चाहे ऑटोमोबाइल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे अदर जितने भी ब्रांच है डिप्लोमा के उन सभी के लिए एक नया ऑप्शन है नया आइडियाज है क्योंकि अभी नए 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 जो आ, स्टार्ट हुआ है नए जो बच्चे हैं उनके लिए ये आइडियाज लेकर आए हैं ताकि उन्हें भी ये सब के बारे में आइडिया मिल सके ठीक है तो आप सभी देखिए सबसे पहले तो आप जानेंगे की जीटीयू के सिलेबस ठीक है जीटीयू के सिलेबस आपको क्या पढ़ने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये खुद ही आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जैसे देखिए गूगल पे आप ऐसे टाइप करेंगे जीटीयू सिलेबस ठीक है जीटीयू सिलेबस खोलेंगे ना तो ऐसे ऊपर का ये आएगा इसको जब क्लिक करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा ठीक है इस तरीके का आपके सामने ओपन होगा ठीक है ओपन जैसे हो जाएगा ना तो उसके बाद से देखिए यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का है देखिए मेरा एरो जो दिखा रहा है ना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ठीक है जब इस पे क्लिक डी वाला जो है ना डी आई इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ओपन होके आ जाएगा वो ये है है ठीक इस तरीके का साइट ओपन होकर अब देखिए जब ओपन हो जाएगा ना तो यहाँ डिप्लोमा रहेगा यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी ब्रांच आपके हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है मिकेनिकल है तो मिकेनिकल सिविल सिविल ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल केमिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसे इसे सिलेबस आ जाएंगे ठीक है अब देखिए सिलेबस ये आ जाते हैं ना तो ये देखिए ब्लू कलर का जो दिया हुआ है ना यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू कलर का ये ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड किया है इसलिए ये अलग कलर थोड़ा दिख रहा है बाकी ये सब ब्लू कलर के हैं ठीक है अब इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगी देखिए ये मैकेनिकल का ओपन किया है वैसे ही सिविल के भी हैं वैसे ही ऑटोमोबाइल के हैं वैसे ही इलेक्ट्रिकल के भी हैं वैसे जितने भी ब्रांच है वैसे ही, है, वैसे ही, है, वैसे ही, वैसे ही आपको ओपन करना है ध्यान रखना कैसे ओपन होगा सेमेस्टर वन यहाँ पर डालना है ठीक है यहाँ पे डालना है ध्यान रहे कि यहाँ पर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री नहीं डालना है आपको ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डालना है ठीक है और बाकी सब नहीं डालना है यहाँ पे सर्च कर देना सर्च करोगे तब ये पेज ओपन होगा पहले तो यही सिर्फ ओपन होगा ठीक है उसके बाद सर्च ऑप्शन डालोगे तो फिर बाद में ये ओपन होगा ठीक है अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारे सब्जेक्ट जो है ना इसमें देखिए ये सब्जेक्ट में कुछ नहीं है इंडक्शन प्रोग्राम कुछ नहीं है ठीक है बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो आएगा जो सिर्फ प्रैक्टिकल है ठीक है इसकी कोई थियरी एग्जाम नहीं देने हैं उसके बाद से वर्कशॉप इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस इसके भी कोई प्रैक्टिस प्रैक्टिकल है कोई थियोरी एग्जाम नहीं है स्पोर्ट्स योगा का भी प्रैक्टिकल ही है इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा जो आपको थियरी एग्जाम देने होंगे सत्तर मार्क्स का आएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल भी होगा अप्लाइड फिजिक्स होगा जो सत्तर मार्क्स का है ठीक है, है ये जो सेवनटी मार्क्स दिखा रहे हैं ना इनके आपको यूनिवर्सिटी में पेपर देने होते हैं ये जो स्टार्टिंग में ये ना जो है बता रहा हूँ ठीक है ये थर्टी मार्क्स जो है ना इंटरनल देने होते हैं ये सिलेबस ओपन करोगे ना तो सिलेबस में सब कुछ दिया रहता है ठीक है सब कुछ दिया रहता है सिलेबस में एक सिलेबस में ओपन करके मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आ, ये जो मैथमेटिक्स है ना ठीक है मैथमेटिक्स क्योंकि ये सिलेबस में मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूं बस आप लोगों का सहयोग रहेगा आप लोगों का साथ रहेगा तो ऑनलाइन भी आएंगे लाइव वीडियो भी आएंगे और अभी तो मैं रिकॉर्डेड ही आपको अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन आपके सामने मैं इसको लाइव भी ला लूंगा लेकिन आप सभी का कमेंट देखिए ये वीडियो जैसे अपलोड होगा सभी का कमेंट आएंगे ना तो फिर बाद में मैं बहुत जल्दी इसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ ठीक है आपके सामने बहुत अच्छे से इसको भी लेकर आऊंगा ठीक है सब कुछ ए टू जेड समझाने वाला हूँ ठीक है अब अभी आप देखिए जब सिलेबस आपके सामने आ जाता है ना तो ये ये जो ब्लू कलर है ना इसमें जब क्लिक करेंगे ना जैसे ही क्लिक करते हैं ना इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से ओपन आ जाएगा ठीक है इसको मैंने अलग से यहाँ से आप डाउनलोड करोगे ठीक है पीसी है तो डाउनलोड कर रहोगे नहीं तो आपके सामने मोबाइल है तो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया देखो मैथमेटिक्स का एक सिलेबस मैंने ओपन किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऐसे ही बाकी सभी को भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं देखने के लिए खास क्या बात होती है देखिए ये जो मैथमेटिक्स है ना इन सभी ब्रांचों के लिए देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा हाईलाइटर ले लिया तो मैंने इन सभी ब्रांचों के लिए ठीक है सभी ब्रांचों में देखिए ऑटोमोबाइल आर्किटेक्चर बायोमेडिकल बाय, इंजीनियरिंग सिरेमिक्स है इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सभी के लिए ये कॉमन है ठीक है मैथमेटिक्स अब मैथमेटिक्स में आपको देखना क्या है वो इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस पहले तो ये देख लिए ल, वीक में लेक्चर थ्री होंगे एक ट्यूटोरियल होगा बस इतना ही होगा आपको चार लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे वीक में ठीक है हालांकि अगर आ, समय है जिस आ, 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 कॉलेज में तो चार से ज्यादा भी रख सकते हैं ठीक है अब ये सारे जो है ना ट्यूटोरियल है प्रैक्टिकल आउटकम्स है वो आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल आउटकम जो आ, इतने सारे हैं फोर्टीन प्रैक्टिकल आउटकम है ठीक है अभी आप थोड़ा सा इसको देखना इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस है ठीक है

कमेंट करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना ठीक है अगर किसी को व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं पता है तो वो भी कमेंट करेगा मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने ये क्वेश्चन दिया और तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा आप क्वेश्चन भेज दीजिए सोल्यूशन देने की जिम्मेदारी मेरी है मैं टाइम टू टाइम जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे आप प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है यूनिट नंबर टू में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है टेंथ क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा थोड़ा सा एडवांस होगा ठीक है थोड़ा सा एडवांस होगा मैं बेसिक एकदम अच्छे से ठीक है बहुत सारे वीक बच्चे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको छोटी छोटी बातें भी नहीं आएगी मैं वो सब छोटी छोटी बातें भी समझाने वाला हूं कि ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए ठीक है ये सारे टॉपिक क्लियर और एकदम बेसिक फंडा के साथ समझाने वाला हूं ठीक है और थोड़ा सा रहेगा गुजराती मीडियम वाले को थोड़ा दिक्कत रहेगा लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना है सबके लिए बेहतरीन तरीके से आ जाएगा ठीक है वेक्टर आएगा वेक्टर भी बहुत इजी है बहुत हार्ड नहीं है मैं ये टू जेडी इन सभी टॉपिकों को एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंथ क्लास में पढ़ा होगा ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसमें है ठीक है वो सब कुछ मैं आपको ए टू जेड यहाँ पर बताने वाला हूं कि ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो ठीक है जैसे टेंजेंट नॉर्मल जनरल इक्वेशन सर्कल ठीक है सर्कल भी है इसमें ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है अब यूनिट नंबर फाइव देखेंगे तो लिमिट है ठीक है लिमिट ये छोटा टॉपिक है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना देखिए ये समझ में आ गया ना तो आपको काम बन जाएगा कि आपको कितना प्रिपरेशन करना है ठीक है देखिए पहला यूनिट जो मैंने बताया था ना डिटर्मिनेट एंड फंक्शंस देखिए ये यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है 16 मार्क्स का ठीक है जिसमें याद करने वाले चार मार्क्स के होते हैं समझ के करने वाले सात मार्क्स के और एप्लीकेशन एप्टीट्यूड वाले जो होते हैं वाले मतलब उसको समझ के अप्लाई करने के बाद जो आते हैं वो पांच मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे मतलब सोला देखे, देखे, टोटल सोलह मार्क्स से यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे देखिए देखिए टोटल ही इनको पास करने के लिए ना आपको ट्वेंटी थ्री मार्क्स की जरूरत होती है कितने मार्क्स की जरूरत होती है टोटल ट्वेंटी थ्री मार्क्स की जरूरत होती है ट्वेंटी थ्री मार्क्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ मैं अच्छे से भी लिख के आपको बताऊंगा पर है ट्वेंटी थ्री मार्क्स अगर आपके पास ट्वेंटी थ्री मार्क्स आप गेन कर पाते हो तो आप पास हो जाओगे लेकिन आपको पास नहीं होना है आपको क्या होना है अच्छे मार्क्स लाने हैं ठीक है ट्रिग्नोमेट्री आ गया ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हो कि चौदह मार्क्स आएगा ठीक है टोटल घंटे के में आपको अगर एक घंटे के लेक्चर अटेंड करते ना तो बारह घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और ये 14 मार्क्स का कवर करेगा ठीक है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है देखिए 16 और ये 14, 30 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया 30 का ये दो चैप्टर कंप्लीट हो अगर अगर अच्छे से ये दो चैप्टर भी करते हैं ना तो पास तो हो जाएंगे अच्छे से एकदम आराम से पास हो जाएंगे ठीक है अब देखिए ये वेक्टर वेक्टर है 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 भी मार्क्स कर रहा है। हो गया कितना ठीक फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी बहुत इजी है देखो ये वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हो ना तो भी पास हो जाते हो देखो ट्वेंटी एट मार्क्स हो जाते हैं फोर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी एट मार्क्स हो जाते हैं अच्छे से करोगे तो ऐसे नहीं है कि थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा ऐसे नहीं चलेगा आपको अच्छे से तैयारी करना है ठीक है कोई भी डाउट होता है तो आपने कमेंट जरूर करना है कमेंट करोगे तो आपका और मेरा बॉन्डिंग बना रहेगा और आपके हर सवालों का जवाब मिलता रहेगा देखो एक्चुअली क्या होता है कई बार हम जवाब इसलिए नहीं दे पाते हैं ना कि दो चार दो चार आते रहते हैं ना तो फिर बाद में समझ में नहीं आता लेकिन आग, आप अगर आप सभी अगर अपने दोस्त मित्र को शेयर करते हो ना तो सभी इसमें जुड़ेंगे और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा मैं आपके लिए हर वो फ्री में सब कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है ये मैथ्स का भी नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा फिजिक्स का भी प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन आप मेरे साथ बने रहोगे तब ठीक है पांचवा देखो लिमिट बारह मार्क्स का है ठीक है कोई भी देखो दो चैप्टर को प्रिपेयर करते हो ना तो आप पासी मार्क पा जाओगे कोई भी दो चैप्टर इसमें देखो ना कोई भी दो यूनिट को प्रिपेयर करो कोई भी दो यूनिट को प्रिपेयर करिए आपके लिए बेहतर हो सकता है ठीक है तो ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है ठीक है तो ये एक्चुअली uh, डिटेल uh, में यहां पर है जो मैंने आपको बताया यहाँ डिटेल में सिलेबस है हालांकि आपको टेक्स्ट बुक ले लोगे तो और भी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा लेकिन मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा वीडियोज भी लेकर आऊंगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ठीक है कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे ठीक है अब देखिए सिलेबस डाउनलोड करने का मैं प्रोसीजर समझा दिया अगर फिर भी नहीं समझ में आती इसको रिपीट करके फिर से वीडियो को देखिए आपको ए टू जेड अच्छे से समझ में आ जाएगा कोई भी डाउट नहीं रहेगा ठीक है अगर इनको अच्छे से देखते हो तो ठीक है तो अगर इसमें भी कोई डाउट होता है कुछ समझ नहीं आता है तो फिर बाद में मैं तो आपके साथ ही हूँ आप कमेंट करो ठीक है आपके जो डाउट होते हैं वो सब डाउट क्लियर करूंगा लेकिन आपको आपको पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहना है कि ताकि आपको हर वो आइडिया मिल सके तो अभी के लिए यहीं पर रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो